द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज इज़, तो लेमन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? तो जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी आपको एक क्वेश्चन बताया वो सबसे पहले लिख लो। तो हमें बताया कि लेमन यानी कि जितनी भी ये सीरीज है उनके जो हमारे पास जनरल फार्मूला वो है 1/ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर और 1/N1। एन वन हमारे पास वो ऑर्बिट है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है और N2 वो ऑर्बिट है जहाँ से आता है, ठीक हो गया। तो लेमन के केस में हमारे पास जो N1 है वो 1 हो जाता है, ठीक है। अब हमसे जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, जब हम N1 को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब वो हमें क्या कह रहा है कि उसे वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम चाहिए, यानी कि उसे ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, क्योंकि 1 डिवाइड बाय दिस है। तो हमें जो ये वाला फैक्टर है, ठीक है, ये हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, ये पूरा फैक्टर। अब यहाँ पे जो आर है वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने इसी में चेंजेस लाने हैं एन की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करके। तो हमने चेंजेस किस तरह से लाने हैं कि जो ये फैक्टर है ये हमारे पास मिनिमम हो, ठीक है। अब इसको मिनिमम करने के लिए हमें 1 माइनस ही है, तो ये 1 के जितना क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ये नंबर मिनिमम होगा। तो 1 के क्लोज ये कब होगा, एन की वैल्यू या तो हम 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में से पहले ऑर्बिट में आ रहा है 3 या 4 या 5 ऑनवर्ड्स, ठीक हो गया। तो एन की वैल्यू हम अगर 2 पुट करें तो वो 1 के क्लोजेस्ट आता है, ठीक है। जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। तो हमें यहाँ पे एन को क्लोज टू 1 करने के लिए 2 पुट करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आर और ये हमारे पास 3/4 हो जाएगा। तो अब वेवलेंथ हमारे पास क्या बन जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी 4/3 आर के। तो ये हमारे पास अल्फा में मौजूद है।